हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पीरियल प्लेटफॉर्म। होप यू डूइंग वेल। तो देखिए, एडमिट कार्ड जो है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम का रिलीज हो चुका है। मैंने आपको कहा था कि ये लेट नाइट ही रिलीज करेंगे एग्जाम का। अच्छा, सबसे पहले तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा था बच्चों ने, पता नहीं कितनी बार बताया है मैंने उन लोगों को कि 125 मार्क्स में से ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। माने आप लोगों के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इवन कंप्यूटर ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट ओवर हियर। अभी मुझे थोड़ी देर पहले एक कमेंट दिखी कि मैम सिर्फ 100 मार्क्स का ही करना है ना, कंप्यूटर को सिर्फ मतलब कंप्यूटर ऐसे ही कर ले तो चल जाएगा। नहीं भाई, 125 में से ही आप लोगों के जो है वहां पे मेरिट लिस्ट लगेगा। उसी के साथ साथ इतना कंफ्यूजन, इतना बाप रे पता नहीं क्यों, क्या पढ़ना नहीं आता है या क्या हो रहा है। और एक कमेंट क्या है कि मैम डिस्क्रिप्टिव पेपर भी साथ ही में होगा क्या? कितनी बार कहा जाए आप लोगों की कि डिस्क्रिप्टिव पेपर इसके बाद होगा। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि आपका जो है ये 27 तारीख को इनका सुबह पेपर है, ठीक है, किसी का 26 को होगा। तो यहाँ पे देखो, 9:30 बजे इनकी रिपोर्टिंग टाइम है और गेट क्लोज, सॉरी, 9 बजे इनकी रिपोर्टिंग टाइम है, 9:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। 10 से लेके 12 बजे तक इनका पेपर वन होगा, माने एक 125 जो है क्वेश्चंस वो होंगे, और उसके बाद जो है 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा, दैट्स इट। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि पेपर वन और पेपर टू एक साथ लेना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 4 घंटे 10 मिनट किसी बच्चे को वहां पे बिठाना एक तरह से थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है किसी भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के लिए। अब आगे क्या, आगे आप पेपर कैसे सॉल्व करोगे ये मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जैसे ये ऑनलाइन पेपर है, ठीक है, सबसे पहले ये काम करना है आप लोगों को कि जो पैसेज, जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, जो पैसेज आएंगे, 2 पैसेज आएंगे आपको इंग्लिश में, उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करना है, ठीक है, सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। बाकी जो वन लाइनर आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं जिसमें इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश को पहले कर दो फटाफट फटाफट, और बहुत आराम से इंग्लिश पढ़ना है आप लोगों को। ऐसे मत सोचिए कि मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ तो एकदम से उसमें ध्यान देके नहीं पढ़ूंगा, ये गलती हो जाएगी आप लोगों की। तो इंग्लिश बहुत बढ़िया से करना है, और उसके बाद जो है आप जीके का सेक्शन उठाना, जीके का सेक्शन होने के बाद आप कंप्यूटर लिटरेसी का सेक्शन उठाना, और सबसे लास्ट में आप जाना मैथ के सेक्शन में, मैथ प्लस रीजनिंग के सेक्शन में। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद बचा खुचा टाइम जब मिल जा रहा है तब आप पैसेज कंप्लीट करोगे। ऐसा कोई भी नहीं करेगा कि सबसे पहले पैसेज सॉल्व कर लेता हूँ मैडम, फिर मैं जाऊंगा इधर उधर करने के लिए, ऐसे मत कीजिए। पैसेज भले 10 मार्क्स के लिए है, लेकिन बाकी जो आपको 40 मार्क मिलेंगे वो भी आपके हाथों में जो है एक तरह से नॉर्मली मिल जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल है क्वेश्चंस, ऐसे नहीं है। इडियम एंड फ्रेजेस अगर आपने याद कर रखे होंगे तो 5 मार्क वहां के मिल गए। फिल इन द ब्लैंक्स तो देखो वो तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रेहेंशन से ही आता है, वो पढ़ पढ़ के आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा लगाना है वहां पे, ठीक है। फिर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी वही चीज है, रट्टा मारने वाली चीज है। मैंने आप लोगों को 30 डेज वाली जो स्ट्रैटेजी बताई थी उसमें मैंने हर एक चीज बता रखी कि किस तरह से कैसे और क्या करना था। लोग मुझे बोल रहे थे कि मैम आपको क्या पता है कि सितंबर में एग्जाम होगी। मैंने कहा भी था कि यार सोर्सेस जो होते हैं हमारे वो A1 होते हैं, ठीक है। आप वो पूरा रिकॉर्ड उठा के देखिए, स्टार्टिंग से लेके आज तक एम रेलवे ने जितने भी एग्जाम की डेट बताई वो एक्यूरेट बताई। हम डेट भी बताते हैं, लोग तो सिर्फ मंथ बताते हैं, हम डेट बताते हैं, हम वीक बताते हैं, और हमारा एग्जैक्ट होता है। मैं आप लोगों को बता, ये आई एम नॉट लाइक समवन ब्रैगिंग अबाउट समथिंग, लेकिन मैंने आप लोगों को एक बार 28th का बताया था, सॉरी, DFCCIL के एग्जाम के बारे में बताया था, ठीक है। DFCCIL की एग्जाम ये पिछले साल इसी मंथ में हुई थी, 28 तारीख को, ठीक है। मैंने बच्चों को ये भी बताया था उस टाइम पे कि 28 सितंबर को एग्जाम होगी। बच्चे बोल रहे थे कि हाँ कुछ भी मैम, डायरेक्ट आप एक डेट ही बता रही हो, अभी तक तो कुछ आया गया नहीं है, लग रहा है कि एग्जाम नहीं होगा। अरे भाई, मैंने बताया तो बताया और आया। और इस बार भी देखो, ITI इंस्ट्रक्टर के भी एग्जाम को मैंने कहा था कि सितंबर की लास्ट वीक में होगा, ये जो कम आपका जो है जूनियर कोटा सिस्टम, इसका भी कहा था। तो देखिए, थोड़ा सा विश्वास रखा कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो विश्वास रख के सब्सक्राइब किया करो, नहीं विश्वास है तो कोई बात नहीं, आगे विश्वास आ जाएगा, क्योंकि हम लोग सारी ऑथेंटिक जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं। होप सो कि आप लोगों को ये ईमेल आ चुका होगा। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो इस लिंक पे क्लिक करना है, आपको आपका इन्फॉर्मेशन पूछेगा, उस तरह से आपका इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करना है, आपका जो है एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो ये थी अभी जो, ये देखो ये क्या बोल रहा है कि ये आपका जो है पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इज नथिंग बट CBT 1, और उसमें टाइपिंग टेस्ट है, 10 मिनट की आपकी टाइपिंग टेस्ट है। अच्छा, टाइपिंग के लिए भी बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम 400 वर्ड्स आएंगे, 400 वर्ड्स आएंगे। तो देखो, टाइपिंग के कितने वर्ड्स आएंगे ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, 350 350 के अंदर ही आएंगे, 300 और 350 के अंदर ही आएंगे। अब आप सब लोगों का ये कह रहे हैं कि मैम क्या पूरा का पूरा पैसेज कंप्लीट करने की कोशिश करें, तो जी हाँ, अगर आप मेरी बात सुने तो हाँ, पूरा का पूरा टाइपिंग का जो है फॉर्मेट वहां पे पूरा जितना भी आपको मैटर
दे रखा है वो पूरा मैटर आपने वहां पे टाइप कर देना चाहिए। साथ ही साथ उस ऐसा कीजिए, आप 10 मिनट में, क्या होता है कि देखो किसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो वो 10 मिनट में ये मैटर कंप्लीट भी कर लेते हैं, ठीक है, ये मैटर कंप्लीट भी कर लेता है। अब मैटर कंप्लीट कर लिया, उसके पास और भी 2 मिनट है तो क्या करे, तो वो स्क्रॉल करके देखे कि कहाँ पे उसकी गलती हो रखी है, नहीं हो रखी है। स्क्रॉल कर सकते हो आप, बैक स्पेस ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा टाइपिंग करते समय। या फिर एक काम कर सकते हो, आपका हो गया पेपर टाइप करके पूरा 300 साढ़े 300 वर्ड्स टाइप करके हो गया, आप फिर से टाइपिंग कर सकते हो। माने अगर 2 पैराग्राफ आपको दिए, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, ये भी टाइप करके हो गया, ये भी टाइप करके हो, और आपके हाथ में अभी भी टाइम है 2 मिनट का, तो आप फिर से शुरू कीजिए, ठीक है, फिर से शुरू कीजिए। इवोल्यूशन में क्या होता है कि इवोल्यूएट करते समय क्या होता है, देखो कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी होती है उसको इवेल्युएट कर देती है मशीन, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। और 100% एक्यूरेसी के साथ ही आप वहां पे वर्ड प्रेस कीजिए। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि 35 वर्ड पर मिनट का जो उन्होंने यहाँ पे दे रखा है ना कि इतनी स्पीड होनी चाहिए, स्पीड ये कुछ भी नहीं है, 35 वर्ड पर मिनट ये कुछ भी स्पीड नहीं है, बहुत कम स्पीड मांग रखी है उन्होंने, तो आप आराम से ये कर सकते हो। होप्स हो कि आप लोगों की सारी पढ़ाई हो चुकी होगी, नहीं हुई है कोई बात नहीं है, जितना हो रखा है उतना प्लीज रिवाइज करके चले जाइए और अच्छे से यहाँ पर पेपर दीजिए। टेंशन नहीं लेना है, आराम से बहुत ही इत्मीनान से पेपर सॉल्व करना है। 2 घंटे का पेपर है आपका, 2 घंटे में वो 125 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, क्योंकि इसमें देखो 25 क्वेश्चन तो कंप्यूटर के वो देखते ही बन जाते, खट 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 देखते ही बन जाते हैं। बाकी आपका जीके का भी 25 मार्क का ऑलमोस्ट क्रॉस सेक्शन है, वो भी बन जाता है देखते देखते। 50 मार्क का फिर जद्दोजहद करनी इंग्लिश के लिए, ठीक है, 50 मार्क का जद्दोजहद करनी इंग्लिश के लिए, और जो आपके 25 मार्क का बच रहा है आपका जो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग कंबाइन जो आएगा, वहां पे थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा। तो आप जो है सबसे पहले उतने क्वेश्चन कीजिए जो वन लाइनर है, देखते ही बन रहे देखते ही बन रहे, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। ओके बच्चों, होप्स हो कि आप लोगों की अच्छे से पढ़ाई हो रखी होगी। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।